साथियों आज हम थोड़ा सा लेट निकल रहे हैं। आज मैं और आर्यन साथ में जा रहे हैं, बाकी ये दोस्त जा चुके हैं। और हमारे प्यारे भाई दर्शील की यहाँ पे थोड़ी सी तबीयत अभी ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, तो इसलिए आज हमारे साथ तो नहीं आ पाएगा। लेकिन कोई नहीं मेरे भाई आर्यन, आज तू जो है दर्शील का काम अकेले कर दियो। हाँ भाई कर मजाक कर रहा हूँ भाई, तू नहीं कर पाएगा। कोई नहीं कर पाएगा भाई, सपोर्ट तो कर लेंगे भाई। सपोर्ट तो कर ले यार, तू भाई है मेरा। अब आर्यन भी हमारे साथ में रहेगा रेगुलर बेसिस पे, है ना। हाँ भाई और मैं तो कह ही रहा हूँ कि भाई तू भी हमारे पास में, ये जो सामने जो साबुन की टिकिया रखी हुई है ना खूब सारी, इनके अंदर एक टिकिया अपनी रखवा दे, कल से हमारे साथ ही रहना चालू कर दे। बंसी जी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, देख सकते हैं यहाँ पे मैं आलती बालती मार के बैठा हूँ। यहाँ पे हम बंसी जी के लिए शरबत लेके आए हैं, वहाँ पीछे भी रख रखा है हमने बहुत सारा शरबत, और यहाँ पे सारे लोगों को शरबत पिलाएंगे। बंसी सारे लोगों के लिए शरबत सबके लिए मेरे भाई, सबके लिए। अरे वाह यार, अरे दिनेश भैया कैसे हो? आगे 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 चलो भाई चलो, देख सकते हैं इलेक्शन टाइम के अंदर हम लोग आ गए हैं। हमारे सारे के सारे मेहनती कार्यकर्ता और हमारे सारे परिवार के जो हिस्सा यहाँ पे खड़े हुए हैं, इन सबको पानी पिलाने के लिए, पानी भी नहीं शरबत पिलाने के लिए। शरबत है मोहब्बत भाई। आर्यन बंसिया जग लिए भी नहीं चलेगा यार, जल्दी जग निकाल, जल्दी आया। हाँ ये रहा ना। और रिश्तेदार जी आप तो सुबह के जल्दी के आए हुए हो ना? भाई पूरी मेहनत कर रहा हूँ, इस बार जीतना ही है अपन को। ओ छाती को चौड़ा करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ऐसी जगह गए थे जहाँ पे एक शमशान घाट था, वहाँ पे डी जी ने कुछ काम नहीं कराया, उन्होंने बस बाहर अपना लगा दिया नेम प्लेट कि ना मैं ये काम करवाऊंगा, अंदर कुछ विकास ही नहीं हुआ। वाह यार, मतलब काम करवाऊंगा बोल के नेम प्लेट लगा के चले गए। देख सकते हैं सांगनेर के विधायक ने एक और सौगात दे दी, बोला कि मैं काम करवाऊंगा और अपना नेम प्लेट लगा दिया। भाई यार ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं सांगनेर के अंदर। कोई नहीं, विधायक बदलने का समय आ गया अब। लगता है पहला डिब्बा खाली हो गया शरबत का, अब बंसी जी ने हमें बुला लिया है उसको भरने के लिए। मजा आ गया। बंसिया शरबत ही पी रहे हो ना पक्का? नहीं ज्यादा मजे में आ रहे हो आप? तीसरा ग्लास पी रहे हो? मुझे सारा अकेले अकेले पियोगे, दूसरे को तो पिलाओ। बार द्वाज पुसे पेंदर सब न लागे प्यारो, पूरी सांगा नेर बोले चे जिंदाबाद को नारो, जिंदाबाद को नारो। अरे कितने सारे सामान रख रहे हैं भाई तूने? भाई यार मतलब तूने मेरी जगह तो सामानों की दे दी और सामानों की जगह पे मेरे को बैठा रहे। अरे मेरे भाई तू अब लेट आया है। चल ठीक है भाई, लेट आया हूँ, गलती हो गई मेरे से, गलती हुई आज। मतलब यहाँ पे भी तुमने सामान पटक रहे हैं। एक काम कर, बता तू मेरे को तो बाहर ही बैठा दे भाई, एक काम करना मैं छत पे बैठ जाता हूँ गाड़ी की, हम थार की बोनट पे बैठ जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे यात्रा का जितना भी डेटा है रुद्र साथ के साथ ट्रांसफर कर रहा है, और हमारा भाई आर्यन जो है हमारे लिए वो लेके आया वाईफाई। वाईफाई बोलते क्या बोलते हैं इसको? है ठीक है साथियों, फिर अपन लोग जो है सारा डेटा ट्रांसफर कर लेते हैं। मेरे फोन से भी काफी सारा डेटा इनको लेना है, तो ये फोन भी मैं इसको दे रहा हूँ। व्लॉगिंग अपन लोग थोड़ी देर बात करेंगे यार, थक गया हूँ मैं बहुत ज्यादा, थक गया हूँ मैं। थका इसलिए नहीं हूँ कि मैं सुबह से जो कोई काम कर रहा हूँ, सुबह से तो मैंने कुछ नहीं किया। थका हुआ मैं इसलिए हूँ कि मैं कल रात को सो नहीं पाया था। बंसिया का फोन आ रहा है, ठीक है बाद में बात करेंगे। बंसिया वीवीआईपी आदमी, एक बार आके देख, एक बार तूने क्या किया, एक बार देख, एक बार आ जा, आ जा भाई। बहुत महंगे स्टेपर आते हैं यार, वो दिनेश भैया को अच्छे से देनी है अपन को गाड़ी यार। तुम ये व्लॉग में डाल दोगे एक बार? हाँ डालूंगा व्लॉग में, दिनेश भैया आपसे झूठ थोड़ी मिलेंगे हम। मैं चलाऊंगा नहीं, मेरे को ऐसे ही नहीं पसंद चलानी है, मेरा घुटना वैसे खराब हो गया। चलानी तो बेटा तेरे को ही पड़ेगी अब, तुम मतलब जबरदस्ती मेरे चलवा भी रहा और फिर नाटक। अब इसको निकाल गाड़ी को, कैसे निकाल रहा है? सीधी निकाल, पीछे मत करियो, राइट है पूरी काट, पीछे क्यों ले रहे हैं? अबे सीधे निकाल ले, पीछे मत ले, इसको एक बार मना कर दिया फिर पीछे और ले रहा है पागल। हाँ साथियों मिलो मेरे भाई से, ये हमारा भाई जयदीप जाट। राम राम भाई, राम राम मेरे भाई। तो आज हमारा भाई जयदीप जाट हमको लेके आया है बहुत ही जुगाड़ू जगह पे। क्यों लेके आया आप यहाँ पे? बहुत ही ज्यादा फेमस जगह है। अच्छा कैसे? बहुत
बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा, कैसे? पानी पूरी आदि। वाह यार, कौन कौन आए यहाँ पे बड़े लोग? यहाँ देख सकते अब कार्तिक भारद्वाज जी आए, हमारे भोकाली युवा नेता। अच्छा अच्छा, वो आए थे क्या? चलो इसी बात पानी पतासी खिलाओ। गाड़ी अगर आज बोल रहा आग भी लग जाती तो वही पतासी खा के जाता भाई। चैम्बर भी फोड़ देते लेकिन वही पतासी खाता आज। आज तो गाड़ी का पूरा टायर फाड़ देता, वो स्टेपर उखाड़ के फेंक देता, नहीं होता, गाड़ी के शीशे तोड़ देता, लेकिन पानी पतासी खा के जाता। देख लो भैया जिसकी भी गाड़ी है देख लो। नहीं नहीं पागल क्या, दिनेश जी भी आपकी तरह जाट है। अरे हाँ हाँ, यस यस, जाट भाईचारा है साले, जातिवाद नहीं करना चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं करना चाहिए जाट। तो है क्या क्या बोला? जय हिंद जय हिंद। मेरे साथियों दो जाट भाई है और दोनों भाई जो है कुछ ज्यादा जातिवाद करते हैं। मैंने देख लिया, एक तो नमन चौधरी और ये अपना जयदीप। मेरे को पता है इसका संडे में आज तक नहीं पता जयदीप का, पूछो क्यों? क्योंकि भाई का हमेशा नाम ही लोग जयदीप जाट बोलते हैं, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। इसका इंस्टाग्राम भी यूजर नेम भी यही है जयदीप जाट। जयदीप भी नहीं पता, जाट ही जाट। सही है भाई, सही है, अच्छी बात है। मेरे जितने भी जाट भाई इस ब्लॉग को देख रहे हैं सारे के सारे, जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर अटेंडेंस लगा दो सारे भाइयों को, एक हार्ट मेरी तरफ से। भाई दही पताशी के नाम पे तू पपड़ियाँ क्यों खा रहा है? चीटिंग करता है। तो साथियों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अभी तक का व्लॉग अच्छा लग रहा होगा, और अभी अपन को बहुत सारे काम और करने हैं। अभी मेरे को सबसे पहले तो जाके सारा का सारा जो डेटा है जितनी अपन ने फोटोज वीडियो सुबह से लिए वो सारी अपनी सोशल मीडिया टीम को ऑफिस में जाके देके आनी है, और फिर उसके बाद में मेरे को पापा के पास जाना है, पापा के साथ रहना है, कोई भी पापा को सहायता चाहिए हो तो उनकी हेल्प करानी है। तो अभी तो काफी हेक्टिक दिन रहने वाला है। पापा तो सुबह के 6 बजे घर से निकल गए थे, 7 बजे से उनकी चाय पे चर्चा वगैरह चालू हो गई थी, और तब से लेकर अभी तक वो खूब सारे लोगों से मिल लिए हैं और अभी भी हजारों लोगों से और मिलने वाले हैं। तो दोस्तों वो तो पूरी मेहनत कर रहे हैं अपनी जगह से, अब तो आप लोगों को मेहनत करनी है, उनको जिताना है, क्योंकि 4.5 साल जितनी सहायता हो सकती थी पापा ने सब लोगों की कराई, और अब आप लोगों का समय आ गया जब आप पापा की सहायता कराएंगे और पापा को इस बार वोट देके जिताएंगे। तो अभी तो अपन लोग चलते हैं तुरंत ऑफिस, सारा डेटा ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद में मैं कैंपेनिंग में पापा का वापस साथ दूंगा, और अब अपन लोग व्लॉग को सीधा घर जाने के बाद बनाएंगे, क्योंकि व्लॉग बनाने के चक्कर के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं लीनियंसी भरक देता हूँ काम के अंदर। तो अभी अपन लोग व्लॉग सीधा घर जाने के बाद बनाएंगे, मैं मानता हूँ अभी छोटा व्लॉग बनाए घर पे जाने के क्या ही कर लेंगे अपन लोग। एक काम करते हैं अभी तो मैं निकलता हूँ, ठीक है, पापा के पास में जाता हूँ, फिर रात को घर जाने के बाद में अपन लोग ओमेगल चलाएंगे और फिर नमन भैया के मजे लेंगे, ठीक है? तो फिर अब सीधा आप लोगों से घर पहुंचने के बाद ही मिलेंगे। हाय हाय, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, व्हाट्स अप? हेलो हेलो, ओह या, आई फाउंड हेलो, ओह I love you too. अरे यार नहीं नहीं, बात सुने, ये नहाता नहीं लड़का, ये साला चार चार दिन नहीं नहाता, अरे चड्डी में हाथ डाल के सोता है ये। ये डजन टेक शाफ फॉर 4 डेज। तो भाई ब्रश कौन करे, भाई का दांत पीड़ा पड़ गया। अरे बोल तो दे उसे कुछ। हाँ ले बोलो बोलो बोलो। ओ किसी हो रही है, किसी हो रही है, ओए अरे भाई, बहन क्या कर ली, बहन क्या कर ली, इनके दांत देखो, एक बार दांत देखो, एक बार दांत देखो। वाओ, यू हैव सो मच हेयर। क्यों ये आपको बोल गई, यू हैव सो मच हेयर? ओ हबीबी, हां बीबी, हां बीबी, ओ ये गवर्नमेंट भी अगर ट्रेंड कर लिया इन्होंने आज। वन सेकंड, पैर दिखा दियो, पैर दिखा दियो, नमन ने भी दिखा दिया। क्या सूखी लड़की है सही में, बात भाई वो बात कर रही थी अच्छी खासी। तो क्या हो गया? ओ क्या ये हो क्या रहा है इधर? आज ये पिंडारी की रिश्तेदार को एब्स दिखा के चला गया, बॉडी शेप कर गया रिश्तेदार को। बैर हो जाओगे आप, दिखा देना इज मै टेडी। लड़की सामने क्या कर रहे हैं, उधर पकड़े इनको, पकड़े से गला पकड़ ले इनका, जा मत। अरे छोरी ये नाता नहीं है, आ छी छी छी, ये तो खुद ही नहीं नाती है। माय टाइप ऑफ गर्ल। भाई मैं इसको बोलने वाला था से रिश्तेदार। भाई एक बात बताओ, रात को तुम लोग जो है 3 बजे, 3 भी नहीं अब तो 4:30 बजने वाले, 4:30 बजे ये काम कर रहे हो, है इससे मान लो अचानक से मम्मी आ गई, क्या कर रहे हो, मान लो 1-2-3 आ गई। एक बात बताओ, ये सब सो रहे हैं तो फिर इसको देख कौन रही है, किसने चला के रख रहे हैं? मैं तो कौन बोला कार्तिक के मारता, तू बोला है, कौन बोला, तू बोला, तू बोला, मैं नहीं बोला। ओह कौन आ गया, ओए खुत्या सो जा, रात हो गई, सो जा ओए। ये ना
अब बंद करो यार ये, अब बंद करो ना, मैंने भी बंद कर दो बहुत. नो 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 इट्स नॉट गई गई बंद करो ये सब बर्बाद. बंद कर दो रिश्तेदार, बहुत लेट हो गया यार, रात हो गई यार, अब सोएंगे यार. चलो ठीक है सो जाते हैं. तो साथियों अब जब लाइट बंद हो गई है तो हम सब सो जाते हैं. अरे नहीं यार ये लोग सोएंगे, मैं कैसे सोऊंगा, मेरे को एडिटिंग करनी है. चलो ठीक है मैं एडिटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद में बढ़िया एक दो घंटे में एडिटिंग खत्म करने के बाद मैं भी सो जाऊंगा. और रिश्तेदार जी कैसी कैसी हरकतें करते हैं आप लोग देख रहे हैं, और रिश्तेदार जी की हरकतों से लग रहा है कि इनके लिए जल्द ही रिश्तेदार नहीं लानी पड़ेगी और इनकी जो है शादी करानी पड़ेगी. दर्शन भाई तेरा क्या कहना है इस बारे में? रिश्तेदार के लिए कभी रिश्ते नहीं आएंगे. कभी रिश्ते नहीं आएंगे क्या? और आपका क्या कहना है भैया? भाई रिश्ते तो आ रखे हैं लेकिन अब करनी नहीं है शादी. ओहो रिश्ता आ रखा है, करनी नहीं है शादी. तो साथियों मैं आज के व्लॉग को एक बहुत ही भव्य कविता के साथ में एंड करना चाहूंगा. मैं भी चंगा मेरा प्यो, भी चंगा मेरी माँ, भी चंगी रिश्तेदार मेरा भाई.